गुड मॉर्निंग चिल्ड्रेन, क्लास सेकेंड, हाउ आर यू? आई होप यू ऑल आर वेरी फाइन एंड स्टडिंग वेल. आई एम योर इंग्लिश टीचर एंड टुडे आई विल टीच यू ग्रामर, योर इंग्लिश लैंग्वेज सब्जेक्ट, दैट इज इंग्लिश सेकेंड. सो चिल्ड्रेन, ओपन योर बुक्स. वी विल स्टार्ट विद द रिविजन ऑफ फर्स्ट चैप्टर, that is words and sentences. We'll start the revision with a thought, that is never leave things for tomorrow which you can do today. I repeat, thought for today, never leave things for tomorrow which you can do today. It means that आपको कोई भी काम जो है वो कल पर नहीं छोड़ना चाहिए, कल के लिए नहीं छोड़ना चाहिए. जो भी वर्क है उसे आज ही कंप्लीट कर लेना चाहिए. सो नेवर लीव थिंग्स फॉर टुमारो एंड डू इट टुडे इट सेल्फ. दिस इज़ योर थॉट चिल्ड्रेन एंड वी विल स्टार्ट द रिविजन ऑफ चैप्टर 1, वर्ड्स एंड सेंटेंसेस. सो चिल्ड्रेन, वॉट इज़ वर्ड्स? वर्ड्स को हिंदी में हम क्या कहते हैं? शब्द कहते हैं. ओके, एंड सेंटेंस को वाक्य कहते हैं. तो आज हम शब्द और वाक्य के बारे में डिस्कस करेंगे और कुछ एक्सरसाइज रिवाइज करेंगे. सो चिल्ड्रेन, व्हाट इज़ अ वर्ड? बिफोर वी स्टार्ट विद द वर्ड, मैंने प्रीवियस लेसन्स में आपको पढ़ाया होगा अल्फ़ाबेट्स एंड लेटर्स के बारे में. जैसे कि आप प्रीवियस क्लासेस में पढ़ चुके हो, व्हाट आर अल्फ़ाबेट्स, हाउ मेनी आर देयर, और अल्फ़ाबेट्स में कितने लेटर्स होते हैं. ओके, तो लेटर्स 26 होते हैं A to Z. सो उन्हीं लेटर्स से वर्ड्स बनते हैं. ओके, जिन्हें हम शब्द कहते हैं. बिफोर वी स्टार्ट विद दिस, लेट्स गेट स्टार्टेड एक्सरसाइज. आई वॉन्ट टू एक्सप्लेन यू इन द कॉपी. सो चिल्ड्रेन, व्हाट कैन यू सी हियर? You can see some letters, right? अगर मैं आपसे पूछूँ आपको क्या दिख रहे हैं सामने स्क्रीन पर, ये क्या हैं? लेटर्स हैं जो हम A to Z में पढ़ते हैं. सो चिल्ड्रेन, फर्स्ट लेटर इज A, देन C एंड R. अब ये अरेंज कैसे किया गया है? ये तो प्रॉपर ऑर्डर में नहीं है. और नेक्स्ट देखिए, U, B, S. नेक्स्ट है T, R, A. देन वी हैव Y, B, O. नाउ इस लेटर्स को, इन लेटर्स को हम अरेंज करेंगे प्रॉपरली. ओके, तो सबसे पहला है, फर्स्ट वन इज A, C, R. सो द वर्ड दैट वी विल फॉर्म with arranging them in correct order is C, A, R. क्या हो गया ये? कार, राइट. देन द नेक्स्ट वर्ड इज B, U, S. B, U, S. देन वी हैव BUS इज बस. देन द थर्ड वन इज R, A, T. रैट. द फोर्थ वन इज B, O, Y. बॉय. सो चिल्ड्रेन, जस्ट नाउ यू हैड सीन दैट देयर वर सम लेटर्स विच वर नॉट अरेंज्ड इन प्रॉपर एंड करेक्ट ऑर्डर. एंड द करेक्ट ऑर्डर, व्हेन वी रोट द लेटर्स इन द करेक्ट ऑर्डर, they formed into what? They formed into a proper word. So this is the meaning of word. Now we will learn the definition of word. Here it is. Definition of word: a word is a group of letters arranged in a correct order. Group of letters होने चाहिए और proper यानि correct systematic order में write किए होने चाहिए, तो उसे हम वर्ड्स कहेंगे. सो चिल्ड्रेन, लेटर्स ही वर्ड्स नहीं होते.
अगर उन्हें प्रॉपर वर्ड में नहीं अरेंज किया गया है तो वो वर्ड नहीं कहलाएगा। जैसे कि मैंने आपको यहाँ पर बताया कि ए सी आर ये करेक्ट सिस्टमैटिक ऑर्डर में नहीं लिखा हुआ है तो इसे हम वर्ड नहीं कहेंगे। वर्ड क्या है? जो प्रॉपर और करेक्ट ऑर्डर में राइट किया होगा। सी चिल्ड्रेन, सी ए आर, कार, सो दिस इज़ द प्रॉपर वर्ड। एज यू सॉ द डेफिनेशन चिल्ड्रेन, यू हैव टू लर्न दिस डेफिनेशन। आई कैन आस्क यू इन द टेस्ट, व्हाट इज़ अ वर्ड? अ वर्ड इज़ अ ग्रुप ऑफ लेटर्स अरेंज इन अ करेक्ट ऑर्डर एंड यू हैव टू राइट सम एग्जाम्पल्स फॉर वर्ड, दैट इज़ पेन, बेयर एंड गर्ल। नाउ चिल्ड्रेन, हैव अ लुक ऑन दिस पेज, लेट्स गेट स्टार्टेड। हेल्प मिनी अनजम्बल द वर्ड्स, देन मैच द वर्ड्स विद द पिक्चर। नाउ दिस गर्ल मिली विल, दिस गर्ल मिली मिनी वॉन्ट्स टू मैच द वर्ड्स विद द प्रॉपर पिक्चर, बट द वर्ड्स आर जम्बल्ड अप, यानी कि ये प्रॉपर ऑर्डर में नहीं राइट किए गए हैं। सो वी हैव टू राइट या द प्रॉपर ऑर्डर, यानी कि हमें अनजम्बल करना है और उसकी सही स्पेलिंग राइट करके जो एनिमल्स दिए गए हैं उस पर हमें मैच कर देना है। ओके, वी विल सी द एनिमल्स, एनिमल्स जो पिक्चर्स यहाँ पे लिखे ड्रॉ किए गए हैं उनको देखते हुए उनकी हेल्प लेकर हमें ये राइट करना है। ओके, वी हैव टू अनजम्बल द वर्ड्स। तो सो द फर्स्ट वन इज़ के ई वाई डी ओ एन, इट्स नॉट अ प्रॉपर ऑर्डर, सो इट्स नॉट अ वर्ड, बट वी कैन राइट द प्रॉपर ऑर्डर एंड फॉर्म अ वर्ड। सो द प्रॉपर वर्ड इज डी ओ एन के ई वाई, डोंकी। यू कैन अंडरलाइन इट इफ यू वॉन्ट, यू कैन अंडरलाइन इट और यू कैन ड्रॉ द लाइन्स बिफोर राइटिंग ऑन इट। डी ओ सी ओ आर टी, दिस इज नॉट अ प्रॉपर वर्ड एंड इट्स नॉट अ वर्ड, सो द प्रॉपर वर्ड इज, द करेक्ट स्पेलिंग ऑफ इट इज डी ओ सी टी ओ आर, डॉक्टर। एंड यू कैन सी हियर देयर इज अ डॉक्टर, सो मैच द वर्ड विद द पिक्चर। द थर्ड वन इज ई एस आर ओ, द करेक्ट स्पेलिंग ऑफ द वर्ड इज आर ओ एस ई, देन मैच टू रोज। फोर्थ वन बी बी आई टी आर ए, यू कैन सी हियर दिस इज़ अ रैबिट, सो यू फॉर्म अ वर्ड आर ए बी बी आई टी, रैबिट। देन द फिफ्थ वन इज सी ओ एल ए टी ई एच ओ सी, द प्रॉपर वर्ड इज चॉकलेट एंड यू कैन मैच इट टू दिस पिक्चर ऑफ चॉकलेट। सो दिस वॉज अ स्मॉल एक्सरसाइज बिफोर वी स्टार्ट विद द मेन एक्सरसाइज। लुक एट दीज ग्रुप्स ऑफ वर्ड्स, वॉट डू दे मीन? अब हम सेंटेंस करेंगे। ओके चिल्ड्रेन, वॉट इज़ अ सेंटेंस? सेंटेंस को हम क्या कहते हैं? वाक्य कहते हैं। क्या कहते हैं? वाक्य। सो अब आपने लेटर्स को सिस्टमैटिक ऑर्डर में अरेंज करके उन्हें वर्ड्स बनाया, अब उन्हीं वर्ड से हम मीनिंगफुल सेंटेंस बनाएंगे। इज रैबिट दिस ए? क्या ये सेंटेंस है? नहीं, बिकॉज दिस, बिकॉज ऑल दीज वर्ड्स विच आर अरेंज्ड आर नॉट इन अ सिस्टमैटिक और करेक्ट ऑर्डर। द करेक्ट ऑर्डर ऑफ दीज वर्ड्स आर दिस इज अ रैबिट। इफ दिस इज अ रैबिट इज रिटन, दिस इज अ करेक्ट ऑर्डर एंड इट इज कॉल्ड अ सेंटेंस। तो हमें वर्ड्स को, वर्ड्स के ग्रुप को ही हम सेंटेंस नहीं कह सकते। जब हम कोई सेंटेंस बनाते हैं तो उसकी ग्रुप के वर्ड्स की अरेंजमेंट जो है वो करेक्ट ऑर्डर में ज़रूरी है, तो भी वो प्रॉपर सेंस बनाएगा और तब वो कहलाएगा सेंटेंस। ओके चिल्ड्रेन, जैसे कि ये वर्ड्स जो हैं, दीज ग्रुप्स ऑफ वर्ड्स डू नॉट मेक एनी सेंस बिकॉज दे आर नॉट अरेंज्ड इन करेक्ट ऑर्डर। जब उसके करेक्ट ऑर्डर को हम अरेंज कर लेंगे तो उसे हम सेंटेंस कह सकते हैं। These group of words do not make any sense because they are not arranged in the correct order. Now read the sentence, group, these groups of words.
दिस इज़ अ रैबिट, इट इज़ वेरी हॉट टूडे, डू यू नो स्विमिंग, कैन यू अंडरस्टैंड वॉट दे मीन? येस, दे आर मेकिंग अ सेंसिबल सेंटेंस, सो दे आर सेंटेंस. टर्न द पेज चिल्ड्रेन. Now you can see some definition over here. A group of letters arranged in the correct order make up a word. एक letters का जो group होता है, अगर जो arrange किया होता है correct order में, वो बनाता है एक word. Letters के group correct order में हों, उन्हें words कहते हैं. और words के group correct order में हो, उन्हें हम sentence कहते हैं. So letters are important in words and correct order of words are very important in a sentence. A sentence is a group of words that is complete in itself and makes sense. So remember children that sentence always begins with a capital letter and ends with a full stop. Now children, I will start with the exercise. As you know that from class 1 we have already told you that sentence always begins with a capital letter and ends with a full stop. So please always whenever you write start the sentence with a capital letter and always if it is a sentence you have to put a full stop and if it is a question you have to put a question mark. Now A, exercise A. Look at the pictures, read the clue and filling the blanks. Before we start with the exercise, I want to again repeat the definition of a sentence which I had mentioned in the copy. जैसे कि मैंने आपको कॉपी में लिखवाया था बच्चों, वही डेफिनेशन हम फिर से एक बार देख लेंगे. डेफिनेशन ऑफ अ सेंटेंस. अ सेंटेंस इज अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स दैट मेक अ कंप्लीट सेंस. A sentence always starts with a capital letter and ends with a full stop. Example, the sun rises in the east. This book belongs to you. Now, the difference between a word and a sentence. Word kya hote hain aur sentence kya hote hain? Word jo hote hain wo letter se bante hain. Okay, jaise ki book. Book se hum koi sentence bana sakte hain? Yes. This book belongs to you. So this is a sentence which is formed in a correct and systematic order and it also makes a sense. Agar ye words aage this end mein hota, you starting mein hota, book third number fourth position pe hota, to ye jumbled up hota. To jumbled group of words ko jo sense nahi banate use hum sentence nahi keh sakte. तो प्रॉपर ऑर्डर ये है, इसे हम सेंटेंस कहेंगे. नेक्स्ट है बनाना. बनाना इज़ अ वर्ड जो लेटर्स से बना है और बनाना से जो सेंटेंस होगा इट विल बी ई वी ईट ए बनाना फुल स्टॉप. वील स्टार्ट विथ कैपिटल डब्ल्यू एंड एंड इट विथ अ फुल स्टॉप. शर्ट. शर्ट इज़ अ वर्ड एंड विद द वर्ड शर्ट वी विल मेक अ सेंटेंस. फादर वेयर्स अ शर्ट. See here, I have started with capital letter and I have already ended it with full stop. So children, always remember to start with capital letter and end with full stop. Now we will do book exercise. We will again revise it so that you can give your test which I will take on Thursday. That is tomorrow. Okay children? This is your exercise A. Look at the pictures, read the clue and fill in the blanks. It lives in a pond. What is the answer? Pond mein kaun sa bird rehta hai? Wo hai duck. You can see a duck. D-U-C-K, duck. Then it is the baby of a cat. Aapne cat ke young one ko padha hi hoga GK mein. उसे क्या कहते हैं? किटन कहते हैं. K I double T E N, किटन. देन नेक्स्ट थर्ड. आई हैव अ वेरी लॉन्ग नेक. मेरी गर्दन बहुत लंबी है. कौन है वो?
जिराफ GIRAFFE। आई लव टू ईट हनी, मुझे शहद खाना बहुत पसंद है। वो कौन है? बेर BEAR बेर। आई क्रोक इन द रेनी सीजन, मैं बारिश के मौसम में क्रोक करता हूँ। क्रोक कौन से एनिमल का साउंड है? अ फ्रॉग, राइट FROG फ्रॉग। नेक्स्ट एक्सरसाइज बी, रीड ईच ग्रुप ऑफ वर्ड्स, कलर द बॉक्स ब्लू इफ इट इज़ अ सेंटेंस। अब हम ये रीड करेंगे और जो सेंस बनाता है ग्रुप ऑफ वर्ड्स उसे हम सेंटेंस कहेंगे और ब्लू कलर से कलर कर देंगे, और जो वर्ड्स ग्रुप ऑफ वर्ड्स सेंस नहीं बनाते तो समझ जाइए कि वो सेंटेंस नहीं है। ओके, नेक्स्ट फर्स्ट वन इज, ए कार्टून आई एम वॉचिंग आई, डज इट मेक्स अ सेंस? नो। इफ इट वुड हैव रिटन आई एम वॉचिंग अ कार्टून देन इट वुड हैव बीन अ सेंटेंस, बट यर इट डज नॉट मेक्स अ सेंस सो इट इज़ नॉट अ सेंटेंस। सो दिस यू डोंट हैव टू कलर ब्लू बिकॉज इट्स नॉट अ सेंटेंस। अ बंच ऑफ फ्लावर्स, क्या ये कंप्लीट इंफॉर्मेशन दे रहा है? नो, सेंटेंस नहीं है, तो लीव इट। थर्ड, यू कैन ड्रॉ वेल, आप एक वेल बना सकते हो, तो ये एक सेंटेंस है बिकॉज इट इज़ स्टार्टिंग विथ कैपिटल लेटर एंड इट इज़ ऑल्सो एंडिंग विथ अ फुल स्टॉप। सो कलर इट विथ ब्लू और यू कैन राइट द स्पेलिंग ऑफ ब्लू इफ़ यू आर नॉट हैविंग अ कलर। Tomorrow is a holiday. Yes, it's a sentence. Can you see the full stop and the capital letter? So yes, it is a sentence. So color it with blue. A beautiful picture. No, because A is a small letter and it's not giving the complete information. So it's not a sentence. Sixth one, Joe plays in the park every day. Joe, capital J and ending with stop and it is also in a correct order, so it's a sentence. Color it with blue. Seventh one, blue the sky, it's not a proper sentence, leave it. A cow gives us milk, capital A full stop, and it is also making a sensible meaning, so it's color this with blue because it's a sentence. Sentences and questions, look at these sentences. The sun is yellow. Football is my favorite game. I have many friends. I have two eyes. So these are sentences. Sentences are those which tell us something. Okay? Next page. These sentences tell us something. A sentence tells us something. It ends with a full stop. Now, look at these sentences. Why is the sun so hot? What is your favorite game? How many eyes do you have? Do you have friends? In these sentences, it is a sentence where someone is asking a question. कोई आपसे प्रश्न कर रहा है. और why, what, ये सब WH words हैं, जो questioning वाले words होते हैं. How and this is also do you have friends? आप देख सकते हैं question mark लिखा हुआ है यहाँ पर. So, whenever a sentence ends with a question mark, that is a question. A sentence which asks something is called a question. एक ऐसा वाक्य जो हमसे कुछ पूछता है, उसे हम question कहते हैं. और it always ends with a question mark. और वो हमेशा question mark से end होता है. तो वो है question. अब इससे question से related, question mark and full stop से related, हम एक एक्सरसाइज करेंगे, वो है सी, रीड द फॉलोइंग, पुट अ फुल स्टॉप इफ इट इज़ अ सेंटेंस, पुट अ क्वेश्चन मार्क इफ इट इज़ अ क्वेश्चन. दिस इज़ अ टॉल बिल्डिंग, ये कोई क्वेश्चन तो नहीं है, तो हम यहाँ फुल स्टॉप लगा देंगे. नेक्स्ट वन, डू यू लाइक मैंगोज, क्या आपको मैंगोज पसंद हैं? क्वेश्चन मार्क. थर्ड, इट इज़ सच अ ब्यूटिफुल ड्रेस, ये कोई प्रश्न नहीं कर रहा है, ये बताया जा रहा है कि बहुत सुंदर ड्रेस है, तो ये यहाँ पर हम फुल स्टॉप लगा देंगे. नेक्स्ट, देर आर मैनी फ्लावर्स इन माई गार्डन, तो यहाँ फुल स्टॉप. फिफ्थ वन, आर यू गोइंग ऑन अ पिकनिक ऑन सैटरडे, क्या तुम पिकनिक जा रही हो सैटरडे को?
ये है प्रश्न. सो पुट अ क्वेश्चन मार्क. इज ही गोइंग टू शिमला, क्या वह शिमला जा रहा है? यहाँ पर हम क्वेश्चन मार्क डाल देंगे क्योंकि प्रश्न पूछा जा रहा है. सेवेंथ वन, द रिवर इज डीप हियर, यह बहुत गहरा समंदर है. यहाँ पर हम फुल स्टॉप डाल देंगे क्योंकि यहाँ पे कोई प्रश्न नहीं पूछा जा रहा है, कोई हमें कुछ बता रहा है, तो वो है सेंटेंस, फुल स्टॉप. एट्थ वन, दिस गार्लैंड इज मेड ऑफ मैरीगोल्ड फ्लावर्स, ये माला गेंदे के फूलों से बनी है, तो यहाँ पर हम फुल स्टॉप लगा देंगे. सो चिल्ड्रेन, दिस वॉज योर एक्सरसाइज एंड आई होप यू हैव अंडरस्टूड एंड आई होप दैट यू विल स्टडी दिस चैप्टर, रिवाइज इट, प्रैक्टिस इट इन योर रफ कॉपी, ऑल द डेफिनेशंस विच आई हैव थॉट यू, ओके. एंड प्लीज़ 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 पढ़ाई करिए. पेरेंट्स, प्लीज़ हेल्प योर चिल्ड्रंस टू स्टडी, ओके. सो सून योर स्कूल्स विल ऑल्सो ओपन एंड आई वॉन्ट ऑल योर कॉपीज, ऑल योर वर्क कम्प्लीट इन द बुक एंड द कॉपी ऑल्सो. चिल्ड्रन, आपका कल टेस्ट होगा, टाइमिंग होगी 12 to 1. बेस्ट ऑफ लक फॉर योर टेस्ट. रिवाइज दिस चैप्टर प्रॉपरली एंड रिवाइज ऑल द डेफिनेशन विच आई हैव रिटन एंड गिवन इन द कॉपी. दैट्स ऑल फॉर टुडे फॉर दिस चैप्टर. चिल्ड्रन, हैव अ नाइस डे. थैंक यू.